रायपुर प्रदेश में आरक्षण को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि आरक्षण में नहीं विधानसभा तैयार करता है और सभी वहां मौजूद रहते हैं। ये बिल विधानसभा से पारित हुआ है। कई वर्षों से निर्वाचित विधायकों ने भी उसमें भाग लिया था, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं, उन्होंने कहा। वहीं सीएम भूपेश ने कहा कि राज्यपाल के विविध सलाहकार कौन हैं जो उन्हें उकसा रहा है, और भाजपा ने राज्यपाल से ये नहीं कहा कि हस्ताक्षर कीजिए, मैंने 10 सवालों के जवाब भी भेजे, लेकिन अब तक उस पर भी जांच करेंगे, अगर बिल हस्ताक्षर योग्य नहीं लगता तो विधेयक वापस करें। वहीं स्काई वॉक के बारे में सीएम ने कहा कि भाजपा को स्पष्ट जवाब देना चाहिए, हमारा चुनाव 2018 को संपन्न हुआ, लेकिन ऐसी क्या स्थिति आई जो 5 दिसंबर 2018 को परियोजना की लागत को 28 करोड़ बढ़ाने का आदेश दिया जाता है, किसको लाभ दिलाने के लिए काम किया गया, और जब आप सत्ता में थे नहीं फिर ये क्यों भाजपा सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पेचकस से भूत कर हत्या कर देता है फिर फ्लाइट से भाग जाता है, तो भाजपा कानून व्यवस्था का मुद्दे पे फिर घेर रही है, ऐसी घटनाओं पे क्या मॉनिटरिंग की जाए? ऐसे कृत्य के हम घोर निंदा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी पुलिस है वो तत्काल कार्रवाई कर रही है, और अभी तक जितने अपराध हुए हैं उसके अपराधी पकड़े गए हैं।